कैसे भी सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। मैं हूं आयुष चौहान। शुरू करते हैं। मुझे एक बात बताइए आप लोग कि सीटेट के लिए जब बच्चा नया नया पढ़ना शुरू करता है और उसे लगने लगता है कि सीटेट अच्छा एक एग्जाम है, अच्छा इसका मापदंड क्या रखा गया है, मानक क्या है, कितने पे पास माना जाता है, तो उसे सब लोग बता देते हैं 90 नंबर है क्या। लेकिन वो 90 नंबर वाला पास होता भी है या बस उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट आ जाता है पास होने का? ये सवाल आप मेरी बातें सुनने के बाद वीडियो के एंड होने पे खुद से पूछिएगा। ठीक, आप शुरुआत में घुस तो जाते हैं इस दुनिया में, शिक्षक बनने वाली दुनिया में, और आपको एक सीटेट का एग्जाम नजर आता है जिसमें आपको लगता है 90 नंबर लाने और हम तो कुछ अलग ही कर देंगे इस दुनिया में। आओ वो अलग की परिभाषा जान लो पहले क्या है। आपके सामने कुछ डेटा रख रहा हूं सिर्फ पिछली बार का, उससे पिछली बार का नहीं रख रहा हूं, और सिर्फ एक सीटेट का डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। पिछले सीटेट में यानी कि जो दिसंबर में हमारा पेपर हुआ था, दिसंबर 2022 में पेपर हुआ था, ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है। मैं पेड कैंडिडेट्स की बात करता हूं, जो हैं उनकी बात नहीं करते हैं, जिन्होंने पेपर दिया था उनकी बात कर लेते हैं। तो 14,22,000 बच्चे पेपर देते हैं, 5,80,000 बच्चे वो हैं जो कि पास हो जाते हैं। 5,80,000 बच्चे वो हैं जिन्हें सीटेट वाले मानते हैं कि क्वालिफाई कर गए हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम का डेटा है। अगर ऐसे ही हर साल 2 बार पेपर हो तो सिर्फ पेपर 1 पास करने वाले जो बच्चों की संख्या है वो लगभग 9 से 10 लाख होगी। रिपीटर्स को अगर मैं हटा दूं तो 9 से 10 लाख बच्चे वो होंगे जो हर साल सीटेट का पेपर पास करके अगले पायदान के लिए जा रहे होंगे। इन 10 लाख बच्चों में हर तरीके के नंबर लाने वाला बच्चा होगा भाई, ये तो पूरा ग्राफ है ना, ऐसे पूरा ग्राफ है। बच्चे 90 नंबर पे पास हैं, उन्हें कह दिया जाता है कि आप पास हो गए, लेकिन नंबर तो 150 तक आ सकते हैं। इन 10 लाख बच्चों में ये अब आपको देखना है कि मैं कहां पढ़ रहा हूं। मैं 90 वालों में हूं, मैं 100 वालों में हूं, मैं 110 वालों में, 120 वालों में हूं, 130 में, 140 में, किस पायदान पर हूं मैं, ये आपको सोचना है। अब अगली बात, जो बच्चे 130 नंबर लेके आता है उसके पास क्या क्या चीजें होती है वो मैं आपको बता देता हूं। लगभग 130 नंबर जो बच्चे लेके आए होंगे, 4 से 5 हजार बच्चे मान लेते हैं कि 5,000 बच्चे होंगे, मैं रफ एक आइडिया ले रहा हूं, 5,000 बच्चे होंगे, 125 से ऊपर 10,000 होंगे, 120 से ऊपर तो 30,000 बच्चे होंगे, 110 से ऊपर तो फिर 1-2 लाख बच्चे होंगे, फिर ऐसे करते करते 90 से ऊपर 5,80,000 बच्चे हैं। ये जो बच्चे हैं 5,000 बच्चे जो कि 130 प्लस लेकर आ रहे हैं, 140 प्लस वाले भी होते हैं, जो 5,000 बच्चे हैं इनके पास क्या क्या होता होगा खुद से पूछिएगा। क्या इन लोगों को फैक्ट्स नहीं याद होते होंगे? मतलब क्या इन्हें ईवीएस में जैसे क्वेश्चंस डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, यहां का डांस क्या है, ये चीज क्या है, वो चीज क्या, क्या इन्हें नहीं पता होता होगा? पता होता है इन्हें। तो ये बच्चे जो है नॉलेज, जो फैक्ट्स वाली नॉलेज होती है उसमें बिल्कुल बढ़िया चटक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान इनके अंदर भरपूर है। दूसरा स्थान, क्या इन बच्चों को अप्लाई करना नहीं आता अपनी नॉलेज को? यानी जो अपनी नॉलेज है उसका एप्लीकेशन इन्हें नहीं आता? बिल्कुल आता है। सीटेट में बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आपकी नॉलेज का एप्लीकेशन आपसे पूछते हैं, तो ये वो बच्चे हैं जिन्हें अपनी नॉलेज का एप्लीकेशन भी आता है। थर्ड, इन्हें कंपिटेटिव एग्जाम के पेपर देना भी आता है। इनके अंदर वो ठहराव है, पेपर वाली एक अलग चीज होती है, ये 50% है अकेला, 50% है पेपर देने की कला। इन्हें धैर्य भी आता है, इन्हें पेपर में हाथ रोक के पूरा पेपर करना भी आता है, इन्हें हार्ड सवाल छोड़ के उसे बाद में करना भी आता है, इन्हें अच्छा गैस करना भी आता है, तुक्का भी अच्छा मारते हैं कि मुझे ये 5 सवाल नहीं आते लेकिन मुझे पता है इन 5 सवालों में ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, इन दोनों में से कोई एक मुझे लगाना है, इन्हें वो करना भी आता है। अब मान लिया हर पेपर में हमें 5,000 बच्चे ऐसे मिल रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल कम अमाउंट ले रहा हूं, 5,000 बच्चे ऐसे मिलते हैं जो 130 प्लस वाले हैं, जो हर पेपर में मिल रहे हैं, जुलाई वाले में भी मिलेंगे, दिसंबर वाले में भी मिलेंगे, और ये लोग कहां फॉर्म भर सकते हैं सीटेट वाले? ये भाई DSSSB KVS के प्राइम कैंडिडेट ये है। लड़ाई इनके बीच हो रही होती है सीट की, सिलेक्शन की लड़ाई इनमें होती है। ये 10-20 हजार बच्चे जो ऊपर वाले होते हैं ना, फॉर्म सब भरते हैं, तैयारी सब करते हैं,
लेकिन इनमें से 70 से 80% बच्चे वो हैं जो इनमें से सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि इन्होंने हाल फिलहाल में एक बढ़िया एग्जाम बढ़िया नंबरों के साथ पास किया होता है। तो आपको इन लोगों के साथ कंपीट करना है जो 90 से 130 के बीच में है, और ज्यादा लोग इन्हें हटा नहीं पाएंगे भाई। कुछ ऐसे भी हैं इनमें जो आगे जाके भटकेंगे, नहीं पढ़े होंगे ढंग से, नीचे आ जाएंगे। मान लो 100 सीट आई, 100 में से 70 ये भर देंगे, 30 सीट फिर जो नीचे से बच्चे फाइट करके ऊपर जाएंगे वो भरेंगे। फाइटर हर जगह है। कोई बच्चा ऐसा होगा 5 दिन पहले पढ़ा होगा, 100 नंबर आए होंगे उसके सीटेट में, फिर और मेहनत करके DSSSB की सीट हथिया ले जाएगा। लेकिन आप खुद सोचो, अगर KVS में 6,000 वैकेंसी आई है, 6,000 सीट आई है, कौन उसका पक्का प्रबल दावेदार है? इन्हें ज्यादा मेहनत की जरूरत है या आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है? आपको भाई यहां तक पहुंचना है और फिर यहां से उस एग्जाम के लेवल तक पहुंचना है। तो 90 नंबर वाला फैक्टर क्या आपके माइंड में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आपको सोचना है। मैं आपके सामने सिर्फ आंकड़े रख रहा हूं कि ऐसा होता है। ये बातें हमें सीटेट का पेपर दे के जब वैकेंसी आ जाती है तब पता चलती है, और जब आप फॉर्म भरते हैं बड़ी वैकेंसीज का, जैसे यूपी में वैकेंसीज आ जाती है भाई, वो 6-6 साल में आती है। जो बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना, आप सोच नहीं सकते हो। यूपी टेट पास करके आने वाले बच्चे भी हैं, उनका भी एक बड़ा संख्या होती है। आप जब बिहार में बड़ी वैकेंसी आएगी वहां भरेंगे, तो पिछले 3-4 साल से जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जो कोई बीटेट दे के बैठा होगा, कोई सीटेट दे के बैठा होगा, वो बच्चे हैं। तो हर साल लगभग 5,80,000 बच्चे पास कर रहे हैं, लेकिन वो क्या ही पास कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो वो फिलहाल सिर्फ अगली भर्ती में फीस जमा करने के लायक बने हैं, पेपर देने के लायक भी नहीं कह रहा हूं मैं, फीस भरने के लायक बने हैं। क्यों? ये भी आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं, आ जाओ। लगभग 17 लाख बच्चे फार्म भरते हैं, पेपर देने 14 लाख ही जाते हैं, 3 लाख गायब बीच में। ऐसे ही जब केवीएस की भर्ती आएगी, कोई भर्ती आएगी आगे DSSSB की, अगर उसमें 10 लाख लोग फार्म भरेंगे तो 2 लाख गायब हो जाएंगे। कौन से होंगे वो 2 लाख? वो 130 प्लस वाले होंगे कि 90 प्लस वाले होंगे? खुद से पूछना जरूर, बुरा लगेगा लेकिन तुम्हें। तो तुम्हें क्यों सेटल करना है खुद को? क्यों तुम्हें अपनी फाउंडेशन को कमजोर करना है? जो सीटेट की अब की हमारी जर्नी होती है, ये जर्नी में हम क्या क्या कर सकते हैं? हम अपनी सीटेट की जर्नी के दौरान अपना बेस बना सकते हैं, चाहे वो पेपर 2 का स्टूडेंट हो, चाहे पेपर 1 का। पेपर 1 वाला अपने 5 सब्जेक्ट का बेस बना लेगा, पेपर 2 वाला मान लिया साइंस का स्टूडेंट है, साइंस का बेस यहीं पे बन जाएगा, मैथ का बेस यहीं पे बन जाएगा, आपका SST का बेस यहीं पे बनेगा। तो आप अपना बेस बना रहे हो। अगर आप अपने बेस को, एप्लीकेशन पावर को मजबूत कर लेते हैं, तो आगे किसी भी एग्जाम में सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। वहां से आपको अपने जो सिलेबस का बचा हुआ हिस्सा है, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, उसमें जो बेस बना है उसकी मदद से पढ़ पाओगे और फिर प्रैक्टिस कर पाओगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इसलिए 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखेंगे पढ़ने के दौरान। जब भी पढ़ेंगे एज पर सिलेबस चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। भाई देखो, मजा बहुत आता है MCQ करने में। YouTube पे आप 10 टीचर देखोगे, 10 में से 9 MCQ पढ़ा रहे हैं। क्या करें, क्योंकि उन 14 लाख बच्चों में से 13 लाख तो MCQ देखना चाहते हैं। वो तो 5,000 ही है, उन 5,000 के लिए कंटेंट कौन बनाएगा? कोई भी नहीं बनाएगा। तुम्हें ही कह दूं कि तुम्हें टॉपर्स के लिए पढ़ाना है, तुम नहीं पढ़ाओगे, क्योंकि टॉपर्स को तो खुद पढ़ना है, तो खुद पढ़ना है तुम्हें। दूसरा पॉइंट है सेल्फ स्टडी। जिस चीज के लिए तुम पढ़ रहे हो ना, ज्यादातर जो पढ़ाया जाता है, जो YouTube पे पब्लिकली पढ़ाया जा रहा है, वो उन लोगों को पढ़ाया जा रहा है जो 90 नंबर टच कर सके। जो 130 वाला बालक है 90 पे तो आज बैठा हुआ है, उसे तो अपनी तैयारी को पंख लगाने, उसे तो आगे उड़ना है। कैसे उड़ सकता है? सेल्फ स्टडी से उड़ सकता है। कैसे कर सकता है? वो अपनी चीजों को चैप्टर वाइज पढ़ेगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर करके खुद को 90 के पार नहीं ले जाएगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट के बार बार। अब ज्यादातर वीडियो जब देखेंगे तो क्या होगा, आज मैथ के 20 सवाल कर लिए, आज हिंदी के 30 सवाल कर लिए, परसों संस्कृत के 20 सवाल कर लिए। इस तरीके से पढ़ने से आप पास तो कर जाओगे, नो डाउट आप पास करोगे, बढ़िया पास करोगे। आपको लगेगा 30 दिन में पास हो गया, 25 दिन में पास हो गया, हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आगे के लिए बेस कैसा बना, आपके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हुए, ये आपके पास मौका है। ये 2 महीने 3 महीने आपके पास वो मौका लेकर आए हैं जिसमें आप अपने सब्जेक्ट्स की कमियों को बिल्कुल तह से हटा सकते हैं, अच्छे तरीके से आप बिल्कुल बेस से उठ के चल सकते हैं, जो चीजें आपको आती है उन्हें मजबूत कर सकते हैं, जो नहीं आती उन्हें और बेहतर कर सकते हैं। तो कहीं भी पढ़ें, यूट्यूब पे भी पढ़ें, तो चैप्टर वाइज वीडियोस को प्रेफरेंस दें जहां पर थ्योरी भी कराई गई हो, ठीक। क्योंकि जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन करा रहा हूं तो मैं 5 बातें बताऊंगा क्वेश्चन के थ्रू, लेकिन थ्योरी में हम वो 50 बातें पढ़ेंगे जिनमें से वो 5 बनी, तो वो 50 बातें फिर मेरे आगे काम आएंगी। तो मैं सिर्फ 5 पढ़ के पेपर पास करूं कि मैं 50 पढ़ के 130 के लायक बनूं और अगले पायदान के लिए मैं बढ़िया छात्रों में रहूं, तो ये आपको सोचना है। हकीकत यही है, जेन्युइन चीज यही है, हो यही रहा है। सिर्फ 90 लाकर आप बार बार पेपर दे रहे हैं, आप बार बार पेपर दे रहे हैं, राजस्थान में वैकेंसी आई वहां दे दिया, केवीएस में आई वहां दे दिया, यहां आई वहां दे दिया, यूपी में आई वहां दे दिया, फिर ऊपर से करप्शन अलग है। तो हमें तो अगर 6,000 सीट आ रही है, हमारे लिए तो मान लो 2,000 है करप्शन से बच के, 4,000 तो वो पहली सेट हो रखी है, हमें तो सिर्फ 2,000 का मौका मिल रहा है, वो हम 4,000 बदल नहीं सकते, वो हमारे हाथ में है नहीं, हमारे हाथ में 2,000 में आना है, तो कैसे आ सकते हैं। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट को पढ़िए जहां पे टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया हो और सब्जेक्ट की डेडिकेटेड फैकल्टी ने आपको पढ़ाया हो, क्योंकि जब डेडिकेशन के साथ एक बंदा उसी चीज पे काम कर रहा होगा तो वो उसकी इनडेप्थ नॉलेज आपको देगा। एक टीचर 4-5 सब्जेक्ट, फिर वही बात है भाई, 5वीं तक के बच्चे को पढ़ा सकता है, लेकिन अगर आप उन चीजों को पढ़ने के दौरान कुछ ऐसी बातें सुनना चाहते हैं, कुछ ऐसी फाउंडेशन बनाना चाहते हैं जो आगे तक काम आएंगी, वो फिर वाकई में एक्सपर्ट ही कर सकता है कोई जो उस चीज पे अपनी उस चीज पे मेहनत कर रहा है, जो उसमें नई चीजें निकाल के लेकर आ रहा है, जो आगे मान लिया एक टीचर ऐसा है जो केवीएस में ईवीएस पढ़ा रहा है, वो सीटेट में भी पढ़ा रहा है, वो इस अंदाज से पढ़ाएगा कि आप केवीएस तक कवर कर लें। कोई टीचर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा तो उस हिसाब से पढ़ाएगा सीडीपी आपको कि वो DSSB में भी काम आएगी, ठीक। तो बेस बनाइए, अच्छे से बेस बनाइए, चैप्टर वाइज वीडियोस को सर्च कीजिए, और सबसे बड़ी बात, कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आप YouTube पे पढ़ रहे हैं, पेड क्लासेस में पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, पेड YouTube तो एक माध्यम है पढ़ने का, YouTube पे आपको ढूंढना पड़ेगा, पेड में चीज आपके सामने आ जाएगी, इतना अंतर है सिर्फ। तो सेल्फ स्टडी जब आप करें, सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो आपके YouTube टाइम का शुरू में बराबर और बाद में डबल हो जाना चाहिए। जैसे आपने 3 घंटे YouTube पे पढ़ा तो बाद में शुरुआत में 3 घंटे सेल्फ स्टडी भी दो, 1 घंटा YouTube दे रहे हो, 1 घंटा खुद भी पढ़ो, बाद में इस टाइम को डबल करना है, YouTube के टाइम को या स्क्रीन टाइम को डिक्रीज करना है। लिखो, नोट करो कि मैं स्क्रीन पे कितना टाइम दे रहा हूं, उससे ना टीचर के करवाए गए सवाल तो बार बार वही सवाल करवा रहा होते रहेंगे, खुद को इनडेप्थ टेस्ट तभी कर पाओगे जब खुद अकेले एकांत में बैठ कर पाओगे। ये मेरी पर्सनल सलाह, बाकी आपकी इच्छा है, आप इस तरीके से पढ़िएगा। हाँ, YouTube पे आप चीजों को ढूंढ सकते हैं, बहुत बेहतर, कुछ टीचर यहाँ, कुछ टीचर वहां, कुछ टीचर यहाँ, जो सही में जेन्युइन आपको नॉलेज देंगे जो आगे तक काम आएगी, अदरवाइज तो ज्यादातर फिर वही है कि वो भीड़ वाली बात है कि यहाँ पढ़ लिया मैंने, ये कर लिया, वो कर लिया, 90 आ जाएंगे यार, नहीं भी पढ़ोगे ना, खुद भी कर लोगे तो भी 90 आ जाएंगे। बात तो ये है कि 130 प्लस, बात तो ये है कि आपका बेस कितना अच्छा बना, 120 भी आए, 115 भी आए, ये अंदर एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने चीजों को बिल्कुल बेसिक से क्लियर कर लिया, अब मेरा फाउंडेशन मजबूत है। तो इन चीजों पर ध्यान देना है। आप हमारे अधिकार बैच जो हम यूट्यूब पे चला रहे हैं, इसी थॉट के साथ चला रहे हैं, उसमें भी जुड़ सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेड़ में पढ़ना चाहते हैं, ये बैच यूट्यूब पे भी चल रहा है और पेड़ क्लासेस में भी चल रहा है। पेड़ में सिर्फ अंतर इतना है कि आप हमसे 1-to-1 क्वेश्चन पूछ पाते हैं, जैसे पेड़ में हमने कुछ कुछ चीजें कर रखी हैं जो हम यूट्यूब के माध्यम से नहीं कर पाते, पेड़ में हम आपको जो अपने हाथ से लिख रहे हैं वो नोट्स दे पाते हैं आप लोगों को। दूसरी बात, आपके पास एक सपोर्ट टीम होगी जो पूरी आपकी मदद करेगी 24 घंटे। यूट्यूब के पास तो आप फोन नहीं कर सकते कि फलाने वाली क्लास नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वहां आपकी कंप्लीट हैंड होल्डिंग होगी, सारा कंटेंट आपको दे देंगे, फ्लेक्सिबल, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लाइव आके देख सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसमें कुछ चीजें और बेहतर है जो यूट्यूब से एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगी। एक तो आपको लाइव क्लासेस तो मिल रहे हैं, वो यूट्यूब पे भी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं जो कि आप ऐप के माध्यम से ही दे सकते हो, फ्री है इस बैच के साथ। अगर आप बैच पढ़ रहे हैं तो 600 के आसपास मॉक टेस्ट है। वो कैसे मॉक टेस्ट है मैं बताता हूँ। ई बुक्स है, किताबें हैं,
हर सब्जेक्ट की किताबें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हो, वो एक किताब नहीं है, हाथ के लिखे नोट्स नहीं है, किताबें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हो। सब्जेक्ट वाइज में चैप्टर वाइज डिवीजन किताबें हैं, उनके फिर अपने बनाए हुए क्वेश्चन है सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिक्स करके, क्लास की पीडीएफ हो जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज हो जाएंगी, मॉक टेस्ट जितने भी मॉक टेस्ट दोगे इनके आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिलेंगे, इंटरेक्शन होगा आपका जो पिछली बार सीटेट बच्चे पढ़ के जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं उनके साथ आप लोगों के जूम सेशंस करवाए जाएंगे, आप उनसे पर्सनली भी कनेक्ट होकर पूछ सकते हो कि भाई या बहन आपने ये कैसे किया, वो कैसे किया, इस वाले सब्जेक्ट पे आपने पकड़ कैसे बनाई, किसी समय पे वो भी डर रहे थे। तो जो मॉक टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं उन्हें हमने ऐसे डिवाइड किया कि 75 टेस्ट तो पूरे पूरे रखे हैं, पूरा टेस्ट है, आप सीटेट का एक पूरा मॉड्यूल बना, उसमें पूरा पेपर दो, हमारा बनाया हुआ नया पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं, क्योंकि नए पेपर से आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस के लिए पेपर वन, पेपर टू, मैथ साइंस और सोशल साइंस सारे रखे गए हैं। 158 हमने सेक्शनल पेपर रखे हैं, ठीक अलग अलग करके पेपर रखे हैं, कि जैसे ये पेपर वन में आपका पेडागोजी का सेक्शन है, कंटेंट का सेक्शन है, वैसे सेक्शन रखे हैं। टॉपिक टेस्ट रखे हैं, जैसे मैथ में फ्रैक्शन के क्वेश्चन नहीं हो रहे तो उसका टॉपिक टेस्ट दे लो, सीडीपी में जीन प्याजे वाले सवाल वाइगोत्स्की के अलग से करने वो कर सकते हो, टॉपिक टेस्ट दे सकते हो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो, कि पूरे मैथ की सिर्फ टेस्ट दे लेते हैं। 30 सब्जेक्ट की पेडागोजी के टेस्ट रखे और 40 लैंग्वेज के टेस्ट हमने अलग से रखे, मतलब सब्जेक्ट की जैसे सिर्फ मैथ्स की पेडागोजी देनी है दे दो, आपको लैंग्वेज का टेस्ट देना है सिर्फ हिंदी संस्कृत कुछ देना आप दे सकते। तो ये है 600 टेस्ट का महत्व। तो ये सारी चीजें हो ही रही हैं, आप सिर्फ पेपर वन पढ़ सकते हैं हम लोगों के साथ अधिकार बैच में, पेपर टू पढ़ सकते हैं, हालांकि जो ये सीटेट हमारा अधिकार का पूरा महापैक होता है, सीटेट महापैक, उसमें जैसे सनी सर की पर्सनल क्लास है एसएसटी की, वो पूरी मिल जाएगी आपको। अब एसएसटी ऐसे पढ़ाएंगे यहाँ पर, पूरी एसएसटी स्पेशल है ये, आपको ऐसे बैच मिलेगा कि आगे चल के कहीं अगर आप टीजीटी एसएसटी देंगे तो बेस बना मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे पूरा प्रॉपर, फर्क पड़ता है उन सब चीजों का जिस तरीके से हम अपने फाउंडेशन बैच में बच्चों को लेके चलते हैं। तो ये आपका पेपर वन का बैच हो गया, मैथ साइंस का बैच हो गया, सोशल साइंस का बैच हो गया, महापैक में तो सभी मिल जाता है। आप चाहें ये सारा पूरा स्टडी प्लान, कौन सा टीचर किस दिन क्या टॉपिक पढ़ा रहा है, पहले से आपकी स्क्रीन पर होगा, आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं पूरा, आप एक एक चीज देख सकते हैं कि जैसे देखो मैं पढ़ा रहा हूँ नेचर ऑफ मैथ्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग बच्चों के अंदर, रीजनिंग और पैटर्न, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या होता है, सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे टॉपिक वाइज आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि कौन सा टीचर कब क्या पढ़ा रहा है, सबकी क्लासेज आप यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है। बस ऐप पे तो ये है आप 1000-1500 रुपए खर्च जो कर रहे हो वो आप इस चीज के खर्च करो कि मॉक टेस्ट है, किताबें हैं, नोट्स है, प्रॉपर हैंड होल्डिंग है, कोई आपसे बात करने वाला हमेशा फोन पे दूसरी तरफ होगा जो आपको हमेशा गाइड करता है। ये सारी चीजें हैं, आप जुड़ना चाहते हैं, कोई भी सिंगल बैच परचेज काटना चाहते हैं, पूरा महापैक परचेज करना चाहते हैं, एनरोल करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है कि आप किस बैच में जुड़ते हैं, महापैक में जुड़ते हैं, क्या करते हैं, कैसे आप अपना बेस बनाने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर 4 घंटे पेड क्लास में पढ़ रहे हो तो 4 घंटे खुद पढ़ने के लिए होने चाहिए, तभी पेड बैच लेना, सेल्फ स्टडी सबसे प्राइमरी चीज होगी। ठीक है, तो टेक केयर, फिर मिलेंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, जिन्हें कन्फ्यूजन है 90 का उन्हें बताओ भाई असली मजा तो 130 के पार ही है, मजा तो तब भी नहीं है वहां से, ये है कि लेकिन नाव में बैठ जाओगे, वो नाव जो जा सकती है जाएगी, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, लेके भी तुम्हें ही जानी है वो उस सरकारी सीट तक जो आपको चाहिए थी। बाय बाय, टेक केयर।